प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 12 सुदामा चरित्र। भक्तिकालीन कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ में कवि ने हमें अब तक सुदामा और कृष्ण के चरित्र के बारे में ये बताया कि दोनों एक अच्छे मित्र थे, बाल सखा थे, संदीपनी के आश्रम में पढ़े लिखे बड़े हुए थे। सुदामा गरीब बने और श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, बहुत बड़े राजा बन गए। एक बार सुदामा ने अपनी पत्नी से श्री कृष्ण के बारे में बताया तो उनकी पत्नी ने जिद करके उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए भेजा और साथ में थोड़े से चावल की एक पोटली बना के भेजी कि ये श्री कृष्ण को मेरी तरफ से उपहार स्वरूप देना। सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उनकी हालत यह है कि उनके पैर फटे हुए हैं, सर तन पे कपड़ा नहीं है और सर पे पगड़ी भी नहीं है। श्री कृष्ण उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनकी दीन दशा देखकर रोते हुए अपने आंसुओं से उनके पैर पूछते हैं और फिर पूछते हैं कि भाभी ने जो उपहार दिया है वो मुझे दो, तुम उसे छुपा क्यों रहे हो, तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक गई नहीं है। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा अपने गांव वापस जाने के लिए कहा। जितने दिन वहां रहे श्री कृष्ण ने उनकी बहुत आवभगत की लेकिन विदा करते समय उन्हें कुछ भी दिया नहीं। इससे सुदामा को बहुत गुस्सा आया, वह परेशान हो गए और भला बुरा कहने लगे और सोचने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने बहुत कृष्ण के बारे में सोचा, उनके ऊपर खींचते रहे कि जो घर घर जाके दही मांगता था वो आज मुझे क्या देगा, जो खुद मांगता था उसके पास मुझे देने के लिए क्या है। साथ में वो अपनी पत्नी पर भी खींचते हैं कि तूने ही मुझे वहां भेजा था और कहूंगा कि संभाल, इतना धन दिया है कि इसे तुम संभाल कर रखना। इसी क्रम में आगे आज हम पढ़ेंगे कि जब श्री कृष्ण अपने गांव पहुंचे तो वहां पर वो अपनी झोपड़ी को तलाश करते रहे लेकिन उन्हें उनकी झोपड़ी नहीं मिली। सबसे उन्होंने अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा लेकिन उनको झोपड़ी नहीं मिली। एक तो वो पहले से ही कृष्ण से नाराज थे कि उन्होंने उनको कुछ लौटाया नहीं और दूसरा उनको उनकी झोपड़ी नहीं मिली। तब कवि ने क्या कहा है वो देखते हैं। वैसो ही राज समाज बजे बने गज बाज धने मन संभ्रम छायो, के दु पर्यो कहु मारग मूली की फिर के में अब द्वारिका आयो, भोन बिलोके बेको मन लोचन सोचत ही सब गांव समझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपड़ी को कहु खोज न पायो। द्वारिका से खाली हाथ और कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गया, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनका गांव द्वारका के जैसा राज समाज बन गया, उनके गांव वैसा ही बन गया जैसी द्वारिका थी। बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। इतना सब कुछ देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि मैं कहीं वापिस भटक कर द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। यही सोचते हुए वह पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे, पूरे गांव में चारों तरफ कि कहीं मुझे मेरी झोपड़ी मिले या मिल जाए। वह पूरे गांव में अपने नाम से झोपड़ी कौन सी है पूछते रहे, या पूछते रहे कि पांडे जी की झोपड़ी कौन सी है, सुदामा की झोपड़ी कौन सी है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी खोजने से झोपड़ी प्राप्त नहीं हुई। इसके आगे
इस अध्याय में कवि ने क्या कहा है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।